दंत कथाएं बताती है कि पवित्र स्थानों के दर्शन करने से भक्त के पाप का शमन होता है और आज के मॉडर्न कल्चर के लोग इन सब का प्रूफ मांगते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक ट्रूथ भी छिपा है, वो ये है कि पवित्र स्थान यानी कि होलीएस्ट प्लेसेस में अल्ट्रा वेव्स होती है जो पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव वेव्स के कारण व्यक्ति के शरीर को और खासकर उसके मन को पॉजिटिविटी फील होती है, जिसके कारण उसका माइंड पीसफुल होता है और स्पिरिचुअलिटी को भी फील करता है। पवित्र स्थानों में से हम जानते हैं श्री राम लिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहां स्थापित शिवलिंग भारद्वाजिश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मीनार की खाड़ी में स्थित द्वीप जहाँ भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है। भगवान राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार थे, वो हम सब जानते हैं, जिन्होंने यहाँ अपनी पत्नी सीता जी को रावण से बचाने के लिए यहाँ श्रीलंका तक के लिए एक बड़ा सा पुल का निर्माण किया था। पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन है। वास्तव में रामेश्वरम का अर्थ होता है भगवान राम और इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। रामेश्वरम वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने भगवान शिव की तपश्चर्या की थी। भगवान राम यहाँ एक बड़ी सी शिवलिंग का निर्माण करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी से हिमालय से लिंग यानी कि प्रतिमा रूप लाने को कहा था। ऐसा माना जाता है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थित मूर्ति वही मूर्ति है। भारत के उत्तर में काशी का जो महत्व है वही दक्षिण में रामेश्वरम का है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिम महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ छुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर से पानी से घिरा हुआ टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पर्वत के सेतु का निर्माण कराया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाया। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटी नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्रकार का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। रामेश्वरम में 64 पर्वत जल स्रोत है, जिनमें से 24 को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। श्री रामेश्वर जी का मंदिर 1000 फुट लंबा, 650 फुट चौड़ा और 125 फुट ऊंचा है। इस मंदिर में प्रधान रूप शिव जी की लिंग मूर्ति स्थापित है। इसके अतिरिक्त भी एक विशाल और बहुत आकर्षक मूर्तियां है, भगवान शिव और पार्वती जी की जल प्रतिमाएं भी है, जिसकी शोभा यात्रा वार्षिक उत्सव पर निकाली जाती है। इस अवसर पर सोने और चांदी के वाहनों पर बैठकर शिव जी और पार्वती जी की सवारी निकलती है। वार्षिकोत्सव पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को चांदी के त्रिपुण और श्वेत उत्तरीय से अलंकृत किया जाता है, अर्थात सजाया जाता है, जिससे शिवलिंग की अद्भुत शोभा होती है। उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लेकर श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। यात्रा का शास्त्रीय क्रम कुछ इस प्रकार है। पहले उपपुर में जाकर गणेश जी का दर्शन करना चाहिए। रामनाथपुरम से 20 मील उत्तर यह ग्राम है। यहाँ श्री राम द्वारा स्थापित श्री विनायक का मंदिर है। उपपुर के पश्चात
देवीपतन जाना चाहिए। रामनाथपुरम से यह 12 मील दूर है। श्री राम ने यहाँ नवग्रह की स्थापना की है। सेतु बन यहीं से प्रारंभ हुआ, अतः यह मूल सेतु है। यहीं देवी ने महिषासुर वध किया था। यहाँ धर्म ने तप करके शिव वाहनत्व प्राप्त किया है। महर्षि गालव की यह तपोभूमि है। यहाँ समुद्र के समीप धर्म पुष्करणी सरोवर है। उनमें 9 पत्थरों के छोटे स्तंभ है। ये नवग्रह के प्रतीक है। यहाँ कुछ दूर पर महर्षि कर्दिनी देवी मंदिर है तथा कुछ और दूर पर शिव मंदिर है। इसके बाद दर्भ शयन जाकर समुद्र में स्नान तथा मंदिर में दर्शन करना चाहिए। यह स्थल रामनाथपुरम से 6 मील दूर है। यहाँ से समुद्र 3 मील आगे है। मंदिर के पास ही धर्मशाला है। मंदिर में दर्भ पर सोए हुए श्री राम जी की मूर्ति है। वो मूर्ति बहुत ही विशाल है। मंदिर की परिक्रमा में कई अन्य मूर्तियां भी हैं। समुद्र तट पर हनुमान जी का मंदिर है। रामनाथपुरम से यात्री को पंबर जाकर भैरव तीर्थ में स्नान करने की विधि है। वहाँ अन्य तीर्थ स्थल भी है, जैसे कि साक्षी विनायक, सीताकुंड, एकांत राम मंदिर, अम्बन देवी मंदिर, कोदंड राम स्वामी, विल्लूरणी तीर्थ आदि सेतु। श्री रामेश्वरम मंदिर में परिसर के भीतर ही 24 कुओं का निर्माण कराया गया है, जिनको तीर्थ कहा जाता है। उनके जल से स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन कुओं का मीठा जल पीने योग्य भी है। मंदिर के बाहर भी बहुत से कुएं बने हुए हैं, किंतु उन सभी का जल खारा है। मंदिर परिसर के भीतर के कुएं के स्तंभ में ऐसी मान्यता है कि ये कुएं भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाणों के द्वारा तैयार किए थे। उन्होंने अनेक तीर्थों का जल मंगाकर उन कुओं में छोड़ा था, जिसके कारण उन कुओं को आज भी तीर्थ कहा जाता है। उनमें कुछ के नाम इस प्रकार है: गंगा, यमुना, गया, शम, चक्र, कुमुद आदि। श्री रामेश्वर धाम में कुछ अन्य भी दर्शनीय तीर्थ भी हैं, जैसे कि राम तीर्थ, अमृत वाटिका, हनुमान कुंड, ब्रह्म हत्या तीर्थ, विभीषण तीर्थ, माधव कुंड, सेतु माधव, नंदिकेश्वर तथा अष्टलक्ष्मी मंडप आदि। आज की हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। भारतवर्ष के ऐसे महान तीर्थ स्थान, महान गाथा और वीर पुरुषों के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।